डिजिटल प्रिंटिंग, तुम बताओ अपने बारे में भाई। निदा, मेरा जो बेसिक स्ट्रगल जो स्टार्ट हुआ था, आई वुड से 2015 में हुआ था, व्हेन आई मूव्ड बैक इन विद माय सिस्टर, विद माय डॉटर। और यू नो, माय सिस्टर वाज काइंड इनफ कि उन्होंने अपने घर में मुझे एक कमरा दिया। उस कमरे में मैंने, माय डॉटर कितनी छोटी थी उस टाइम? शी वाज 6 इयर्स ओल्ड एट द टाइम। और उस एक कमरे में, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी के घर में रह रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा फैलना भी नहीं होता ना, आप कोशिश करते हैं कि आपके पास जो स्पेस है उसी के अंदर की प्राइवेसी उनका, एग्जैक्टली, यू नो, दे काइंड इनफ कि आपको वो सॉर्ट ऑफ शेल्टर दे रहे हैं। मुझे रेंट की कोई फिक्र नहीं थी, मुझे किसी बिल की फिक्र नहीं थी, तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू यू नो टेक एडवांटेज। तो उस एक कमरे में मैंने 2020 तक अपने स्टे करके एक एक पैसा सेव किया, बिकॉज मेरी लाइफ का एक मिशन था कि आई हैव टू हैव माय ओन प्लेस। और मुझे रेंट पे इसलिए नहीं मूव आउट होना था क्योंकि मुझे पता था कि आप रेंट पे, ठीक है, बहुत से लोगों को करना भी पड़ता है, लेकिन दैट्स जस्ट मनी गोइंग डाउन द ड्रेन। हर महीने आपके बैंक से पैसे निकल रहे हैं जो वापस नहीं आएंगे। तो आई वॉज वेरी लकी कि मेरे पास एक शेल्टर था, तो मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मुझे रेंट पे मूव आउट होना पड़े। बट उन 5 सालों में निदा, मैंने, देर वर टाइम्स व्हेन आई एक्चुअली वेंट विदाउट फूड ऑल्सो। मैंने खाने पीने पे पैसे नहीं खर्च किए, मैं बोटलिंग नहीं करती थी, मैं कोई कपड़ा नहीं बनाती थी, मैं किसी चीज़ पे पैसे नहीं खर्च करती थी, क्योंकि मिशन था कि अपना घर लेना। मैंने उस स्पेस में, ऑब्वियसली बेटी के साथ, यू नो, शी वॉज ग्रोइंग अप, बहुत मुश्किल भी होती थी, लेकिन बस आई थिंक अम्मी, जैसे मुझे बचपन में बड़ा शौक था सैलड्स का, फ्रूट्स का, मैंने उन 5 सालों में लिटरली किसी चीज़ पे पैसा नहीं स्पेंड किया। कि अम्मी कहती थी, तुम 2000 रुपये महीने के फ्रूट पर खर्च कर लोगी तो कोई कयामत नहीं आएगी, तुम्हारा मिशन जो है ऐसा नहीं है कि फेल हो जाएगा। बट वो एक मेंटल ब्लॉक था कि नहीं, मैं किसी चीज़ पे नहीं स्पेंड कर सकती क्योंकि मैंने ये काम करना है। एंड देन अल्लाह मियाँ ने पता नहीं क्या दुआ, किस वक्त की दुआ कबूल की निदा, क्योंकि मुझे मूव आउट भी होना था बट मैं कभी अकेले ज़िंदगी में रही नहीं थी, तो और बेटी का साथ था तो मुझे ये भी डर होता था कि मैं अकेले कैसे रहूँगी। सिक्योरिटी सिचुएशन आपको पता है कराची की इतनी कोई अच्छी नहीं है। तो आई वॉज लकी इनफ कि जब कोविड हुआ तो मेरी बहन के जो बराबर वाला अपार्टमेंट था उनके टेनेंट्स चले गए, जो लैंडलॉर्ड था वो बाहर रहते थे और उनके टेनेंट छोड़ के चले गए, और 3 महीने उनको कोई टेनेंट नहीं मिला कोविड की वजह से। एंड दैट्स हाउ वी मैनेज टू कन्विंस देम कि अपार्टमेंट आप हमें बेच दें, मतलब वो बेचना नहीं चाहते थे, वो रेंट करते थे सिर्फ। तो इस तरह से जब वो मुझे अपार्टमेंट मिला ना, वही बात के अल्लाह मियाँ का करना हुआ कि वो बराबर वाला मुझे अपार्ट, अच्छा मेरी बहन के सामने वाला मेरी अम्मी का अपार्टमेंट है, तो मतलब इतनी सिक्योरिटी, इससे ज़्यादा मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी। बिल्कुल, और लिटरली हमने फिर ऐसा किया, वो 3 अपार्टमेंट्स और हमने यहाँ पे एक ग्रिल का गेट, मेटल गेट लगा दिया है, तो कॉर्डन्ड ऑफ है पूरा हमारा एरिया। तो मैं कभी अगर घर से बाहर भी हूँ तो वो हम उस पर ताला डाल देते हैं। इट्स लाइक लिविंग इन अ बिग हाउस विद माई मदर एंड माई सिस्टर, बट वी ऑल हैव आवर ओन स्पेस। लेकिन निदा, जब वो मैंने अपना अपार्टमेंट खरीदा और उसके बाद ऑब्वियसली जब आप मूव इन कर रहे होते हैं, वो टेनेंट्स ने यूज़ किया हुआ था, तो इट वॉज इन अ वेरी शैबी कंडीशन। मुझे सारे बाथरूम्स बनाने पड़े, वो जो आप, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने एक एक चीज़ गोली मार से ली है, यहाँ तक कि जो फ्लोर की जो वुडन पैनलिंग आप कराते हैं, अब सब कुछ गोली मार में मिलता है बाहर, जो आपको एक्सपेंसिव शॉप से मिलता है वहाँ पे भी मिलता है। मेरे सैनिटरी सब कुछ मैंने गोली मार से, मैं और अम्मी जाते थे, 3-4 ट्रिप्स हमने लगाए, एक एक चीज़ मैं लेकर आई। लेकिन मैंने बाथरूम्स अपने पूरे बनवाए, मैंने अपना किचन पूरा बनवाया, और बराबर वाला घर था तो मैं तो बैठी उनके सर पे, वो सुबह जब 10 बजे आते थे तो मैं उनके सर पे बैठी होती थी, और जब शाम को 5 बजे जाते थे, ये तो बाजी बहुत जक्की है भाई, वो तंग आ गए थे मुझसे। लेकिन मैंने इस वजह से 8 महीने के बजाय 2 महीने में अपना अपार्टमेंट तैयार कर लिया था। Assalamu alaikum everyone, this is Yashmigal here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.